जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के नेता और सेवानिवृत्त शिक्षक तेलंगाना भवन में मंत्री हरीश राव की उपस्थिति में बीआरएस में शामिल हुए। इस मौके पर हरीश राव ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर आमंत्रित किया। मंत्री हरीश राव ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की स्थिति पागल के हाथ में पत्थर जैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष चंद्रबाबू के सच्चे उत्तराधिकारी है जो खेती के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू यानी रेवंत भी कहते हैं कि खेती के लिए 3 घंटे काफी है। उन्होंने कहा कि मैं विधायक हूं और फ्री करंट नया करंट बन गया। मंत्री केटीआर ने कहा कि यह अफसोसजनक है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठों ने मुफ्त बिजली पर टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों का जवाब नहीं दिया। 3 फसलें बीआरएस की नीति है, 3 घंटे कांग्रेस पार्टी की नीति है। कांग्रेस शासनकाल में किसान वर्तमान कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों से वे पिछले कांग्रेस सरकार की वर्तमान कठिनाइयों को याद करना चाहते हैं। वे इस बात से क्रोधित थे कि रेवंत रेड्डी ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो मैंने जो कहा वह वेद था। उन्होंने पूछा कि क्या बीआरएस विकास चाहती है? कांग्रेस अराजकता चाहती है। 2014 के बाद केसीआर ने राज्य का हर तरह से विकास किया है। उन्होंने प्रशंसा की कि देश में कोई भी रायतु बंधु जैसी क्रांतिकारी योजना लेकर नहीं आया है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि क्या देश का कोई अन्य राज्य तेलंगाना की तरह किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देता है। और राहुल गांधी इस बात पर अड़े हैं कि वे कालेश्वरम परियोजना में हुए लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार की आलोचना करेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि राहुल गांधी नेता नहीं है, वह एक पाठक है। राजभवन में राज्यपाल तमिलिसाई द्वारा बोनम को देवी नल्लापोचम्मा को अर्पित किया गया। उन्होंने बोनालो अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि माता चाहती है कि सभी को सारी सुविधाएं मिले। सभी लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की शुभकामनाएं। उन्होंने बताया कि बोनालो उत्सव को तेलंगाना की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक के रूप में मानने की प्रथा है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें आधिकारिक तौर पर बोनालो उत्सव में आमंत्रित नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने कहा कि समारोह राजभवन में आयोजित किया गया था। राज्य के गृह मंत्री महमूद अली ने कहा कि लाल दरवाजा सिंह वाहिनी में निजाम भी आते थे। उन्होंने देवी सिंह वाहिनी की पूजा अर्चना की और देवी के महत्व की जानकारी दी। महमूद अली ने याद दिलाया कि संयुक्त राज्य में बोनालो त्योहारों के लिए धन का कोई आवंटन नहीं था। उन्होंने कहा कि हैदराबाद बोनालो को विशेष धनराशि आवंटित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर सभी त्योहारों के लिए धनराशि मंजूर कर रहे हैं। महमूद अली ने कहा कि देश में जिस तरह त्योहारों का आयोजन होता है वैसा कहीं और नहीं होता। टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि फलकनामा से एयरपोर्ट तक मेट्रो लाइन का विस्तार करने की जरूरत है। बोनालो उत्सव के अवसर पर लाल दरवाजा अम्मावारी मंदिर गए रेवंत रेड्डी को मंदिर समिति ने सम्मानित किया। इसे तेलंगाना के लोगों के विकास के लक्ष्य के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शहीदों का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने कहा कि वे तब तक काम करेंगे जब तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। तेलंगाना में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की तैयारी कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस 6 महीनों में सत्ता में आएगी और सभी समस्याएं को हल करेगी। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण ने राजनीति से पूरे बोनालो यात्रा का आयोजन करने वालों को बधाई दी। उन्होंने सिंहवाहिनी महाकाली का दौरा किया और देवी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे हमारे त्योहारों की विशिष्टता को विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को विदेशी देश अपना रहे हैं। पार्टियों से अलग बोनालो यात्रा मनाना सुखद है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि माता चाहती थी कि राज्य के सभी लोग खुशहाल हो। बीआरएस विधायक गुडम महिपाल रेड्डी ने रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं में किसानों के प्रति कोई ईमानदारी नहीं है। अगर तेलंगाना सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है तो रेवंत रेड्डी द्वारा किसानों का अपमान करना हास्यास्पद है। बीआरएस विधायक गुडम महिपाल रेड्डी ने रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं में किसानों के प्रति कोई ईमानदारी नहीं है। अगर तेलंगाना सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है तो रेवंत रेड्डी द्वारा किसानों का अपमान करना हास्यास्पद है। टी कांग्रेस नेता फिरोज खान ने लाल दरवाजा सिंह वाहिनी अम्मावारी माता के दर्शन किए। वे सिंह वाहिनी मंदिर को एक पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं क्योंकि वे सभी जातियों में देवियों को देख रहे हैं। फिरोज खान ने कहा कि यहां सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। फिरोज खान ने कहा कि बोनालो में भाग लेने वाले पोतराजू के कारनामे बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पोतराजू 40 दिनों तक वहां कार्रवाई के साथ रहेंगे और बाद में उनकी परवाह करने की कोई स्थिति नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। फिरोज खान ने याद दिलाया कि छठे निजाम ने
हैदराबाद में बोनालो उत्सव शुरू किया था। फिरोज खान ने कहा कि बचपन में उन्होंने सिंहवाहिनी अम्मावारी माता के दर्शन किए और आज एक राजनीतिक नेता बन गए। उन्होंने अपनी प्रगति का श्रेय माता के आशीर्वाद को दिया। संगारेड्डी विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा कि उन्हें लाल दरवाजा सिंहवाहिनी मंदिर आकर खुशी हुई। लगभग 50 वर्षों के बाद सिंहवाहिनी अम्मावारी का दौरा करना सुखद है। उन्होंने कहा कि बोनालो तेलंगाना संस्कृति में अद्वितीय है। बस हैदराबाद जो लाल दरवाजा, हैदराबाद लाल दरवाजा जो आज का बोनालो, आज का आखिरी दिन है। आज मैं भी पहली बार आया यहाँ को, तो हैदराबाद की यह है कि भाई ये आषाढ़ मौसम में जो बोनालो यहाँ का निकालने का जो सालों से चल रहा है, मगर यहाँ का पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होके जो वो लोग के लिए माँ के माँ का आने के बाद वो लोग का जो मानने का मानते, माँ जो देना है वो देते, इसलिए जो भी है पब्लिक पूरा इन्वॉल्वमेंट होके करने का ये बोनाला पंडा, ये सब खुशी से दिल से खुशी से सब जने इसमें शामिल होने का ईद है। ये तो ये इसीलिए मैं भी आज भी लाल दरवाजा बोनाल कैसा रहता है आपको देखने के लिए आया मैं भी दर्शन। थैंक यू सो मच। बड़ंगपेट नगर निगम के मेयर चिगिरिंता पारिजाता नरसिम्ह रेड्डी दंपति ने लाल दरवाजा सिंहवाहिनी अम्मा के दर्शन किए। पहले वो देवी को बोनम अर्पित किया और उनका सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने शहरवासियों को बोनालो की शुभकामनाएं दी। पारिजात नरसिम्ह रेड्डी ने कहा कि भाग्यनगरम में बोनालो उत्सव बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कठिन समय में अम्मावारी माता ने सबको बचा लिया है। वह राज्य के लोगों पर देवी का आशीर्वाद चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सिंहवाहिनी माँ एक शीतल माँ है जो सबकी इच्छाएं पूरी करती है। इन्होंने कहा कि आषाढ़ श्रावण माह में माता की पूजा करने की परंपरा है। उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता में भाग लेने वाले पुलिस कर्मियों, मंदिर समिति और स्वच्छता कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। लाल दरवाजा सिंहवाहिनी बोनालो महोत्सव भव्यता के साथ आयोजित किया गया। विशेष आकर्षण के रूप में कलाकारों एवं पोतराजू की कलाबाजी प्रभावशाली रही। इस मौके पर उन्होंने जोगिनी श्यामला और वैष्णवी अम्मावारी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि वे अम्मावारी की मौजूदगी में आकर खुश है। लाल दरवाजा सिंहवाहिनी बोनालो महोत्सव भव्यता के साथ आयोजित किया गया। विशेष आकर्षण के रूप में कलाकारों एवं पोतराजू की कलाबाजी प्रभावशाली रही। इस मौके पर उन्होंने जोगिनी श्यामला और वैष्णवी अम्मावारी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि वे अम्मावारी की मौजूदगी में आकर खुश है। थैंक यू सो मच, आप सभी को प्रणाम। प्लीज अगर आप बेबी मूवी नहीं देखे तो प्लीज देखिएगा, यू ऑल लव इट, वॉच इट इन थिएटर्स। थैंक यू सो मच सबको, हैप्पी बोनालो सबको, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। चंपापेट मंडल के श्री विजया दुर्गा देवी मंदिर दुर्गा भवानी नगर में बोनालो उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बोनालो उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मंदिर के अध्यक्ष मुरलीधरन ने समिति के सदस्यों के नेतृत्व में इसका भव्य आयोजन किया। हैदराबाद में आयोजित बोनालो उत्सव के अवसर पर चंपापेट डिवीजन में भक्तों की भीड़ है। दुर्गा भवानी नगर में श्री दुर्गा देवी मंदिर में भक्त देवी के दर्शन व पूजा कर कृतार्थ हो रहे हैं। आषाढ़ मास बोनालो जात्रा का भव्य आयोजन रेणुका एल्लम्मा मंदिर, जगतगिरी गुट्टा, एलावेलुपु, कुतबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र में किया गया। मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही, लेकिन मंदिर समिति की लापरवाही के कारण भक्तों को काफी परेशानी हुई। मंदिर से लेकर सब्जी मंडी तक महिलाओं को घंटों लाइन में खड़ा किया गया। मंदिर में सुविधाओं की कमी के कारण दर्शन के लिए आने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समिति ने मंदिर के बाहर एल्लम्मा मंदिर परिसर में ही भक्तों के लिए विशाल पिंजरे लगाए हैं। श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाएं नष्ट हो गई है। टीजेएस अध्यक्ष कोदंड राम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कालेश्वरम परियोजना एक एक करके उजागर हो रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि कालेश्वरम परियोजना बाढ़ आने पर पानी का उपयोग करने के लिए बनाई गई थी, फिर भी वे बाढ़ के दौरान ही पानी क्यों गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेड़ीगड्ढा परियोजनाओं में 17 पंपों में से केवल 6 पंप काम कर रहे हैं। भाग्यनगर बोनालो के शोर से जगमगा गया। पुरानी बस्ती स्थित लाल दरवाजा सिंहवाहिनी मंदिर में हर्षोल्लास के साथ बोनालो महोत्सव चल रहा है। अम्मावारी माता के पास भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच कैसिनो किंग चिकोडी प्रवीण माता के दर्शन के लिए आए, उनके साथ अनुयायी भी आए थे। अब तक तो ठीक है, जब चिकोटी निजी सुरक्षा के साथ मंदिर के पास आया तो वह एक बड़े जाल में फंस गया। पुलिस द्वारा निजी सुरक्षा को रोक दिया गया था।
हालांकि पुलिस तब हैरान रह गई जब स्टाफ के 3 सदस्यों के पास हथियार थे। तत्काल तीनों को टास्क फोर्स पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पता चला है कि पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि लाइसेंस नहीं होने पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिकोटी ने बताया कि उसके पास हथियार का लाइसेंस है। रंगारेड्डी जिला शमशाबाद एसओटी अधिकारियों ने 178 किलो गांजा जब्त किया है। ओडिशा से कर्नाटक जाते समय शादनगर मंडल के लाल पहाड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस को गांजा मिला। 65 लाख का गांजा, एक कार, रेनॉल्ट गाड़ी, सेलफोन जब्त किया गया है। शमशाबाद के डीसीपी नारायण रेड्डी ने खुलासा किया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने बताया कि 3 लोगों को रिमांड पर लिया गया है और बाकी 5 लोग फरार है। उत्तर में बारिश थोड़ी कम हुई थी लेकिन अब फिर से तेज हो गई है। लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर कई राज्य परेशान हो रहे हैं। अब तक आए बाढ़ की भयावहता से उभरने से पहले ही अब एक और खतरा मंडरा रहा है। बीती रात उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश हुई। परिणाम स्वरूप प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का प्रवाह अचानक बढ़ गया है। बारिश के साथ साथ सड़कों पर भूस्खलन भी हुआ। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी तेजी से बह रही है। फफमऊ में गंगा का प्रवाह 11 सेंटीमीटर से बढ़कर 24 सेंटीमीटर हो गया है। नैनी में यमुना नदी 29 सेंटीमीटर बढ़ी। उत्तराखंड के चमोली जिले में नेशनल हाईवे 7 पर भूस्खलन हुआ। अधिकारियों ने बारिश के कारण राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। असम में भी बाढ़ आई। करीब 47 जिले बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से 32,400 लोग प्रभावित हुए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मातृभाषा की सुंदरता और सांस्कृतिक परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मातृभाषा मातृभूमि से परे कोई अन्य संपत्ति और अस्तित्व नहीं है। टाना के पूर्व अध्यक्ष सतीश वेमना के नेतृत्व में वेंकैया नायडू के साथ 28 प्रवासी संघों का एक संयुक्त मंच वॉशिंगटन, अमेरिका में आयोजित किया गया था। वेंकैया नायडू ने ग्रेटर वॉशिंगटन तेलुगु कल्चरल एसोसिएशन के सहयोग से सैकड़ों प्रवासियों की उपस्थिति में अपना बहुमूल्य संदेश दिया। वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत विविधता में एकता की आदर्श परिभाषा है। इस महीने की 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी आज अहम बैठक करेगी। आप सूत्रों ने बताया कि बैठक में विपक्षी दल के शामिल होने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे संसद के मॉनसून सत्र में अपनाई जाने वाली रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस बैठक में आपकी राजनीतिक मामलों की कमेटी के सदस्य और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान हिस्सा लेंगे। केंद्र ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को अमान्य कर दिया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण का अधिकार निर्वाचित सरकार के पास होना चाहिए। आपने मांग की है कि कांग्रेस पार्टी भी इस अध्यादेश को खुलकर विरोध करे और ऐलान किया है कि वह तब तक विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होगी। टमाटर की कीमतों से रसोई पर बड़े बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया है। अब तक 90 रुपए प्रति किलो बिकने वाले टमाटर की कीमत 80 रुपए हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि घटी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि थोक बाजार में टमाटर की कीमतों में कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। पिछले महीने से देश भर में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है। इस उद्देश्य के लिए टमाटर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से एकत्रित किए जाते हैं जहां कीमतें अधिक होती है और उन्हें छूट पर बेचा जाता है।